हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी समय से विवादों में चल रही JVT और BEd की जो भर्ती है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी थी। तो उस केस में एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जो JVT और BEd का केस है, उसमें समझ लेते कि JVT वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि आप BEd को और JBEd को JVT की पोस्ट के लिए एलिजिबल मत कीजिए। और जो 28 जून 2018 को NCT के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन निकाली गई थी, उसको निरस्त कीजिए। और दूसरी तरफ BEd के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी कि हमें JVT के लिए भी एलिजिबल कीजिए, क्योंकि NCT भी हमें एलिजिबल मानता है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी 26 जुलाई 2022 को, लेकिन आज जो है जो कोर्ट नंबर 13 था, उसमें सुनवाई होनी थी, लेकिन जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं, वो आज अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो भी उनकी बेंच में जितने भी केसेस थे, जो कि डबल बेंच है, उसमें मिस्टर जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस, जितने भी उनके बेंच में केसेस थे, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। और जो भी मैटर होंगे इस कोर्ट के सामने, जो भी मैटर थे, जितने भी थे, वो आज नहीं लिए जाएंगे हेयरिंग के लिए। तो उन केसेस में जो है आगे फर्दर डेट दे दी जाएगी। तो यही जो अपडेट थी आज की, कि आज JBT और BEd का केस जो है, JBT वर्सेस BEd वाला जो केस है, वो आज नहीं लगेगा। तो इसमें कोई अपडेट भी नहीं आएगी। तो और बाकी जो नेक्स्ट डेट है, वो आपको वेबसाइट पे या बाद में वकीलों के द्वारा आपको रेफ़र कर दी जाएगी, कि वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगी कि नेक्स्ट डेट क्या है। तो नेक्स्ट डेट आज तो डिसाइड नहीं हो पाएगी, लेकिन जल्दी डिसाइड हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट हेयरिंग में देखेंगे कि क्या इस केस का बनता है। जहाँ तक ये लग रहा है कि जो इसमें आखिरी सुनवाई हुई होगी, ये जो अगली सुनवाई होगी ना, वो बिल्कुल आखिरी सुनवाई लग रही है, या फिर उसके बाद एक और सुनवाई हो सकती है, लेकिन दो सुनवाई से ज़्यादा नहीं होगी। उसमें ये केस सॉल्व हो जाना था, लेकिन कोर्ट में अगर जज नहीं है तो सुनवाई कैसे हो सकती है। तो यही अपडेट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।